सभी लोगों को स्नेह भरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग साखी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में 4 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं, इस समय हम लोग 5 और 6 दो दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पांचवा दोहा देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाई। कह रहे कि जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार। जब हमारे हृदय में अहंकार था तब गुरु नहीं, तो हमारे हृदय में गुरु का वास नहीं था, गुरु का निवास नहीं था, गुरु नहीं मिले थे। जब मैं था तब गुरु नहीं, हमारे हृदय में जब अहंकार था तो हमें सच्चे गुरु नहीं मिले थे, गुरु का कोई स्थान हमारे हृदय में नहीं था। अब गुरु हैं हम नाई, अब हमारे हृदय में गुरु विद्यमान हो चुके हैं, तो उनके ज्ञान से हम यानी अहंकार नष्ट हो गया, हमारे हृदय का अहंकार क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाए, कह रहे हैं कि प्रेम रूपी गली इतनी पतली है, तामे दोना समाए, कि उसमें दोनों नहीं समा सकते हैं। दोनों का मतलब अहंकार और गुरु। अब प्रेम रूपी गली किसे कहते हैं, हृदय को, माने हृदय में अगर अहंकार है तो गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और हृदय में गुरु मिल गए, हृदय में गुरु का स्थान अगर बन गया, गुरु की प्राप्ति हो गई, तो हमारे हृदय से अहंकार नष्ट हो जाएगा, यानी कि हृदय में अहंकार और गुरु एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये पांचवा दोहा हुआ, काव्य का सुंदर आप उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां, भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाव है, भक्ति और भजन हरि के पास तक, ईश्वर के पास तक पहुंचने के एक नाव, नाव मतलब माध्यम है। जैसे नदी को तैरने का माध्यम नाव होता है, नाव में सवार होकर के आदमी नदी को पार करता है, उसी तरह से अगर ईश्वर के पास पहुंचना है, ईश्वर के पास जाना है, तो भक्ति और भजन एक माध्यम है, वही उसका एक नाव है। दूजा दुख अपार, इस संसार में भक्ति और भजन के अलावा सब कुछ अपार दुख देने वाले हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं वह केवल कष्टकारी हैं, दुख देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मन वचन और कर्म से, कबीर सुमिरन सार, इस सार को, इस तत्व को, इस महत्व को, यानी भक्ति और भजन के महत्व को समझना चाहिए, इसे हमेशा याद रखना चाहिए, इसे हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ आपका पांचवा और छठवा दोहे का व्याख्या समाप्त हुआ। अलंकार की बात अगर हम करते हैं, यहाँ रूपक अलंकार भी दिख रहा है और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है, बाकी सब काव्य के सौंदर्य में वही रहेगा। अब हम लोग अगले दोहे के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।